नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से अपने माउस पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, इसका लुक एंड फील हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे रोटेट हो रहा है। इसके लिए आप हमारे पास एक वेबसाइट है rb-designer.com, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसे ही वेबसाइट आपके पास ओपन होती है, आपको सेकेंड टैब में जाना है गैलरी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी वेरिएशन है, आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पॉइंटर्स अवेलेबल हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं स्वीडन पैक्स, और यहां पे देखिए फिर डिफरेंट इसके अंदर फिर अलग से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। यहां पे हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। यहां पे देखिए सेव का आइकन बना हुआ है डाउनलोड, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन आया था कि आप इसको अप्लाई कैसे करोगे। आप अपने विंडोज के सर्च में जाओगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे कंट्रोल कंट्रोल पैनल। जैसे ही आपके पास ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखिए माउस की सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा, अगर आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स में ये है कैटेगरी में है, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो व्यू बाय लार्ज आइकन्स। आप जैसे ही करोगे यहाँ पर आपको माउस की सेटिंग्स दिखेंगी। जैसे ही आप माउस के ऊपर क्लिक करोगे और सेकेंड टाइप में आपको जाना है पॉइंटर्स के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ब्राउज। जैसे ही आप ब्राउज करोगे आपको ये आइकन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन ओपन और यहाँ पे अप्लाई। ओके, ये देखिए अभी आपका आइकन चेंज हो चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर रोटेट हो रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट को डाउनलोड करके और अपने एज पर योर नीड आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वापस इसको अपना डिफॉल्ट चेंज करना है, उसके लिए आपको दोबारा से माउस सेटिंग्स में जाना होगा और सेकेंड टैब पे क्लिक करते ही जैसे अब यहाँ पे यूज डिफॉल्ट करते हो और देन ओके, ये देखिए अभी यहाँ पे आपका डिफॉल्ट सेट हो गया है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर।